हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 491 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग जो सेशन पर बात करने वाले हैं उस सेशन का आज अंतिम वीडियो है। दोस्तों सीटेट 2022 SST का सामान्य अध्ययन का आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उसका आज का एपिसोड अंतिम एपिसोड होगा। जितना भी सचिन सर के नोट्स में दिया गया था प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर 2011 से 2022 तक जो सीटेट में पूछा गया था दोस्तों उसका आज सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो भाई बहन जिनका अभी एग्जाम बाकी पूरा फेज बचा हुआ दोस्तों वो जाइए प्लेलिस्ट पे और इस पूरे एपिसोड पार्ट को देखिए। प्रत्येक एपिसोड में दिया गया होगा, हर एपिसोड को एक से दो बार फास्टली रिवीजन के तौर पर आप इसको देखिए। CBSE हुआ, CDP हुआ आपका, हिंदी हुआ आपका, फिर आपका दोस्त मैथ हुआ आपका, SST हो गया, लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया गया है सीटेट का दोस्तों जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया है। आप भाई बहनों से यही अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, और नहीं लगे तो उन्हें मत कीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सीटेट के पूरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इस पे बिहार सिविल कोर्ट का कोर्ट क्लर्क और जो प्यून चपरासी और जो जितना भी भराया था दोस्तों तीनों जो बिहार सिविल कोर्ट का उसका सेट अब इस पे स्टार्ट करवाया जाएगा। दोस्तों अपने भाई बहनों को आग्रह कीजिएगा कि इस चैनल से जुड़े और धीरे धीरे लाइव करवाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों लाइव सीख रहे हैं, लाइव अभी चलाना दोस्तों अभी लाइव नहीं चलाना जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड अंतिम एपिसोड है दोस्तों SST का, 120 क्वेश्चन का ये एपिसोड होगा दोस्तों, 120 प्लस होगा क्वेश्चन दोस्तों। ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था विधवा विवाह हो सके। प्रथम विश्वयुद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुने। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ, व्यापार समूह में युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ दोस्तों। आपका हो जाएगा ए और बी सही थे दोस्तों। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, आयात में कमी आई और भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी और सी सही है दोस्तों, जो सही है उसको पढ़ते हैं। मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से पृथक बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अस्सी देखिए दोस्तों, भारत दक्षिण भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होता है। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिसके जल यातायात प्रभावित होते हैं। दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाला क्षेत्र विकसित होता है। 49 का 1A B दोनों सही थे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है दोस्तों, हो जाएगा कार्य की मौसम अनुमान प्रकृति माने कार्य उपलब्धता हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। मानव भूगोल मानव जाति के विकास उनकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का विस्तार के अनुकूल शामिल करता है। तो दोस्तों हो जाएगा इसका ए सही है परंतु बी गलत है दोस्तों, ए सही है परंतु बी गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित हो की गई है दोस्तों, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। चलिए 53 नंबर, आईने अकबरी के संदर्भ में मुख्य कथनों पर विचार किया, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें फसलों और कीमतों राजस्व मजदूरी वगैरह का संख्यांकी विवरण है, ए भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए बी का विचार करना। हेनरी बेबियन ड्रेजियो के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नैतिक का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। हेनरी के विचार आमूल परिवर्तन थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये भी दोनों सही है दोस्तों, आप भी सही व्याख्या करता एक ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ देशों का अक्षांश विस्तार काफी अधिक है,
कुछ देश में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए थे। दोस्तों ए और आर दोनों सही है, परंतु किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों कुछ देशों का अक्षांश विस्तार काफ़ी अधिक है और कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या करता व्याख्या नहीं है ए की। दोस्तों निम्नलिखित कथनों तथा विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है और ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यह तिरछी पड़ती है। ये सही है दोस्तों, लेकिन बी गलत है। कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि मजदूर काम की तलाश में शहर में प्रवासन करते हैं। कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखाने में काम करने का सरल हो जाता है। तो दोस्तों ये सही है परंतु आर, लेकिन आर गलत है। ये सही है और लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय, इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करते हैं। दोस्तों ए बी सी डी। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनसंख्या रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे और उन्हें मुस्लिम पड़ोसों में ले जाएंगे और लोक सेवाओं में मुस्लिम की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाकर करेंगे। अनुदेशन प्रक्रिया डैश का मूल्यांकन करता है। दोस्तों एक और दो होगा। दोस्तों अनुदेशन प्रक्रिया निंदनात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन करता है। निंदनात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन का अनुदेशन करता है। दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार लगाएं। डी ए सी भी है दोस्तों, मतलब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, फिर वाष्प इंजन का आविष्कार, फिर भारतीय कपड़ों का पतन, फिर भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। फिर से देखिए दोस्तों, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पहले डी आएगा, फिर आएगा वाष्प इंजन का आविष्कार, फिर भारतीय कपड़ों का पतन, फिर भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। दोस्तों अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र डैश तक के देशांतर को घेरेगा। तो दोस्तों हो जाएगा 15 डिग्री। नहीं, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतर विस्तार के साथ 24 आवर क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र 15 तक के देशांतर को घेरेगा। ए और बी को विचार कीजिए तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी अधिक होगी। वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। दोनों ए तथा बी सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी अधिक होगी। वायु उच्च दाब क्षेत्र से उच्च जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। दोनों ए तथा बी सही है, ए बी ए की सही व्याख्या करता है। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। मिट्टी के बर्तन बनना, बुनाई, ईंट बनाना, मतलब गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। मिट्टी के बर्तन बनाना और बुनाई ईंट बनाना। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। दोस्तों कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है। ए और बी है। दोस्तों मुझलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है और एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। प्रजातंत्र का पाठ योजन बनाते समय किस संप्रदाय का पर सबसे पहले विचार करेंगे। विषय वस्तु उद्देश्य की योजना। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रदाय पर सबसे पहले विचार करेंगे। विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। दोस्तों निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। ए नंबर कथन है दोस्तों, शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। कथन बी, राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्तचित्रों के लिए निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा। ए और बी दोनों से या बी सही व्याख्या करता है। ए की। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य: हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। कथन भी: 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से, 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। दोस्तों ए भी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यम मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपनी राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते हैं? बी और सी सही है दोस्तों। सरकार में अधिक मांगेदारों की मांग, प्रशासन का भारतीकरण करने की मांग है दोस्तों। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। क्या बताता तुम? सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। इनमें से कौन जुड़े सुमिलित करें? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार है दोस्तों। ए और बी सही है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार, इस अधिकार को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया? दोस्तों हो जाएगा बी सी डी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम, बच्चों का समग्र विकास। क्या बोलो? क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों। कौन सा पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया? ये तो नहीं होगा दोस्तों। बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचारों स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों, अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम, बच्चों का समग्र विकास दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। यही सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। क्या है? ए और आर दोनों गलत है। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की थी इलाहाबाद में दोस्तों। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की इलाहाबाद में। कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? आप सभी भाई बहनों जानते होंगे मौसमी पवने हैं। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? शहरी लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? शहरी लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। जाति पदानुक्रम का अर्थ है एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह और उच्चतम से निम्नतम जातियों में से रखा जाता है। जाति पदानुक्रम का अर्थ है कि एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है? केवल सी को दोस्तों। अनुदेशात्मक उद्देश्य सही विकल्प का चयन करें। वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न से हमेशा उल्लेखित किया जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य सही विकल्प का चयन कीजिए। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरण में शामिल है पाठ पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध आदि। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है कौन थे दोस्तों? पाठ पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध दोस्तों। मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार है भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार था भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था।
क्या आप क्यों सोचते हैं कि मीरा में बेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और मशीनरी पर बल के आलोचक थे? नहीं, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसे गांधीवादी पंचवर्षीय योजना के विज्ञान और मशीनरी पर बल के आलोचक थे? इससे पर्यावरण खतरों के कारण मानव जीवन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है? 5.0 होगा दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? लद्दाख दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? लद्दाख। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में दोस्तों। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में दोस्तों। समावेशी सामाजिक समूह ने हास्यकरण के से सम्मान डैश किया? ए सी डी दोस्तों। दूसरों के आधिपत्य के विरोध विरोध द्वारा और दोस्तों सशस्त्र संघर्ष द्वारा, शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा, शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा दोस्तों किया गया था। फिर से देखिए, सामाजिक समूह में हास्यकरण के से सामना डैश किया? दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, सशस्त्र संघर्ष द्वारा और शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय शक्तियां का बल डैश होना चाहिए? एबीसी है दोस्तों, सही। पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचार के प्रभाव में डालने पर अछात्र और तथ्यों को अनुभवों को आलोचक मूल्यांकन के सक्षम बनाने पर दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश होना चाहिए? अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा रुचि को जगाने पर छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के सक्षम बनाने पर दोस्तों। कवि कथन ए कारण आर विचार कीजिए। सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं। सही विकल्प चुने, ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। प्रश्नों में कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? प्रश्नों में कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ए बी सी तीनों है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं नीचे वाला भी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सिंचाई के स्रोत को सूचीबद्ध कीजिए। तीनों सही होगा दोस्तों। मिस्टेक द फ्लोइंग मैच द फ्लोइंग हुआ दोस्तों। चलिए नृत्य शैली और राज्य, चलिए देखते हैं। कथक आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कथक कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में। कथकली दोस्तों आ जाएगा केरल में। कथकली केरल में। अब कुचिपुड़ी, अब भाई बहनों जानवी करते हैं। कुचिपुड़ी आपका, सॉरी दोस्तों, कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ होगा दोस्तों? तमिलनाडु में। कथकली हो जाएगा आपका केरल में। अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी क्योंकि गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। अब एक थ्री है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथनों आधार पर वायुमंडल की परतों को पहचानिए। एक परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इस ओजोन गैस की परत होती है
बाह्य मंडल, दोस्तों बाह्य मंडल यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बाह्य वायुमंडल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? केवल ए और डी सही है दोस्तों। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है और सहकारी संस्थाएं विपणन से संलिप्त रहती है। कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है, सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती है। छात्रों के मानचित्र की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे? छात्रों की दिशाओं, स्केल, मापदंड और चिन्हों को समझा कर दोस्तों। छात्रों को मानचित्र चित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे? छात्राओं को दिशाओं, स्केल, मापदंड और चिन्हों को समझा कर दोस्तों। कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला आकर्षक कारक है? केवल ए बी, ए बी डी दोस्तों। कार्य हेतु अच्छे अवसर होते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और दोस्तों उच्च आय। कौन सा प्रवास प्रभावित करने वाले आकर्षक कारक होते हैं? कार्य हेतु अच्छे अवसर होते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं और उच्च आय होती है। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों की अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? दोस्तों बी और सी सही होगा, केवल बी और सी। इससे नियोक्ता पर काम का दायित्व बनता है। यह कार्य मौसमी होते हैं और कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों के अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है और ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी ए बी सी सही है दोस्तों। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। सी, लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला गया दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर से। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं और लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने के हेतु दबाव डाला है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। एबीसी सही है दोस्तों। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम के पढ़ाया जा सकता है? भारत विभाजन की स्मृतियां, जाति आधारित भेदभाव और कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न दोस्तों। कौन निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं दोस्तों? ए बी सी सही है। चलिए पढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन की एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना सभी उठाए गए मुद्दों कि लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता न करना। सी, देखिए दोस्तों, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्यायित करने के कौशल का विकास दोस्तों। निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए कोल, संथाल और बस्तर वर्ग दोस्तों। समुदायों का सही क्रम कौन सा जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? प्रारंभिक विद्रोह के आरंभ करते हुए कोल, संथाल, बस्तर और वर्ली दोस्तों। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयंत्र धर्मपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा? बी और सी होगा दोस्तों। प्रदर्शन और लेख लिखना क्या होगा? प्रदर्शन और लेख लिखना। यदि वर्तमान समय आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयंत्र नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा? प्रदर्शन और लेख लिखना होगा दोस्तों।
कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये, सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। कथन बी, पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। दोस्तों दोनों गलत है। दोस्तों सेरिकल्चर होता है दोस्तों तालाबों मत्स्य पालन के लिए नहीं होता है। दोस्तों सेरिकल्चर आपका रेशम कीट पालन के लिए होता है और पीसी कल्चर आपका मत्स्य के लिए होता है। दोनों गलत है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है न्यायिक समीक्षा। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। वृत्तांतों से छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। ये भी सही है दोस्तों, बी ए की सही व्याख्या करता है। इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। उचित प्रतिक्रिया दोस्तों, इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। उचित प्रतिक्रिया। संवैधानिक उपचारों के आधार से क्या अभिप्राय है? दोस्तों नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायिक न्यायालय में अपील करने का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय? नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए, बच्चों को दंत संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। कथन बी, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो दंत संघर्ष मीडिया से निपटा दिया गया हो उस जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो वह कक्षा में शिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त होगा। ये गलत है दोस्तों, बी सही है। अभी कथन ए तथा कारण आर दोनों को पढ़ें, सही विकल्प चुने। तो दोस्तों अभी कथन 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण आर देखिए, बंगाल की दीवाने मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों फिर से एक बार देखिए दोस्तों, 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कारण आर देखिए दोस्तों, आर देखिए, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता है। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है एक ही। दोस्तों ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल पर छोटा प्रतिरूप है। ए बी सी तीनों सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न को हो सकता है। ग्लोब पूरे ग्लोब पर देश महाद्वीप और महासागर उनकी सही आकार में दिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? ए सी डी एस दोस्तों, शिक्षार्थी एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण और दोस्तों प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना और राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। दोस्तों हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण
और प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना और राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। अभिकथन है, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, बुवाई, निराई और फसलों की कटाई। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना। दोस्तों ए और बी इसमें भी है, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, और बी है दोस्तों कि विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, यदि आप चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपने निम्न में से कौन सी तरीका अपनाया होता? ए और बी दोस्तों, अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार और क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया था क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित किया था। निम्नलिखित कथनों विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। ये गलत है, बी सही है दोस्तों। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये गलत है दोस्तों, लेकिन बी सही है। कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया था, देश को स्वतंत्रता दिलाई। भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। दोनों ए तथा बी सही है दोस्तों, बी कारण ए का है दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया था, देश को स्वतंत्रता दिलाई। भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है। बी और सी सही है दोस्तों, और जो कम मजदूरी देता है उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता होगा। ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? जिन किसानों के यहाँ काम करते हैं उनसे उन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है, और जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से उन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता होगा। भारतीय संविधान के में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रचलन। दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन। दोस्तों एक अखबार के लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्य दशाओं कारण मौत हो गई। उपर्युक्त उदाहरण निम्नलिखित में से क्या समझाने के सबसे उपयुक्त है? दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रारंभिक विद्यालयी छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक रोल प्ले से निम्नलिखित में से क्या विकसित किया जा सकता है? प्रजातंत्र से संबंधित संपत्तियों का अनुप्रयोग। दोस्तों प्रारंभिक बी और सी होगा दोस्तों, प्रजातंत्र से संबंधित संपत्तियों का अनुप्रयोग ग्रामीण लोगों के समझ चुनौतियों व मुद्दों की समझ। प्रारंभिक विद्यालयी छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत का नाटक रोल प्ले से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है? ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौतियों व मुद्दों की समझ और प्रजातंत्र से संबंधित संपत्तियों का अनुप्रयोग। दोस्तों संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान के संकेत, सामाजिक विज्ञान संकेत करता है सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ दोस्तों। सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्णा के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों। कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में एक राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? मोहनचंद्र करमचंद गांधी दोस्तों। रोजगारों का उनकी स्थितियों के साथ मिलान करें। एक का फोर है दोस्तों, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हो जाएगा नियमित वेतन धारी कर्मचारी हो जाएंगे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नियमित वेतन धारी कर्मचारी। सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला बी का थ्री स्वरोजगार मुक्त हो जाएगा। सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला हो जाएगा स्वरोजगार मुक्त दोस्तों। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक दोस्तों नियोक्ता हो जाएगा। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक क्या होगा? नियोक्ता हो जाएगा। कृषि मजूमदार दोस्तों अस्थाई वेतन श्रमिक होगा। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड क्या है दोस्तों? पौधे जो अपनी पंक्तियों में जल को संचित रखते हैं। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड क्या है? पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। और भी दोस्तों वाणिज्यिक समझौता, राजनीतिक समझौता दोस्तों। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। वाणिज्यिक समझौता और राजनीतिक समझौते दोस्तों। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? BCD सही है दोस्तों। ताड़पत्र और कागज और लकड़ी की तख्ती दोस्तों। प्राचीन लघु चित्र कला किस पर बनाए जाते हैं? ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती दोस्तों। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना दोस्तों। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय को आर्थिक व सामाजिक हासिलकरण पर अध्ययन किया गया? मुस्लिम दोस्तों। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हथियार पर हासिलकरण का अध्ययन किया था? मुस्लिम। कौन सा प्राथमिक स्रोत का तकनीक प्रतीक नहीं है? केवल डी दोस्तों। जन्म हड़प्पा के नृत्य करती हुई लकड़ी का प्रतिरूपण दोस्तों। कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? तो हड़प्पा के नृत्य करती हुई लकड़ी का प्रतिरूप दोस्तों। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? स्रोतों पर और अधिक बढ़ने के लिए प्रेरित करना दोस्तों। बी और डी सही दोस्तों। स्रोतों पर अधिक बढ़ने के लिए प्रेरित करना और अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को प्रोत्साहित करना दोस्तों। एक स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने के हतोत्साहित करना, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। मानचित्र एवं समय रेखीय दोस्तों। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा मानचित्र एवं समय रेखीय। पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणीक्रम व्यवस्था कहलाती है।
मनसबदारी व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? मनसबदारी व्यवस्था पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों कौन सा कथन सही है? लाल किला अब सादे सेल से बना है जबकि ताजमहल कायंते सेल से बना है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? लाल किला अब सादे सेलों से बना है जबकि ताजमहल कायंत्रित सेलों से बना है। मिल्पा रोका लद्दांग किसके विभिन्न नाम है? स्थानांतरित कृषि का दोस्तों मिल्पा रोका लद्दांग किसके विभिन्न नाम है? स्थानांतरित कृषि का। सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है दोस्तों। किसमें? तमिलनाडु में। सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में कौन से राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु में दोस्तों। कौन से शहर में असम नागालैंड मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी में दोस्तों। कौन से शहर में असम नागालैंड मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का एक साझा उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अक्षांशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है और अक्षांश को अंश में मापना सॉरी दोस्तों ए सी डी सही है। यानी अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा जिसकी त्रिज्या विविध है, फिर अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अविस्वत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? ग्राम सभा है दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सके? विविधता के लिए सम्मान दोस्तों। ए डी ई होगा दोस्तों। पारस्परिक सम्मान, फिर दोस्तों विविधता के लिए सम्मान, फिर होगा विश्वास दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सके? पारस्परिक सम्मान, विविधता के लिए सम्मान और विश्वास दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा संप्रयत्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? डी और ई होगा सही दोस्तों। डी नहीं दिया गया दोस्तों, ई। चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक समांतिकरण हाशियाकरण आर्थिक समांतिकरण हाशियाकरण के किस प्रकार भिन्न है? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किसको जोड़ता है दोस्तों? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किसको जोड़ता है? दिल्ली मुंबई चेन्नई या कोलकाता को दोस्तों। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जल विद्युत दोस्तों। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? जल विद्युत। सही मिलान करना है दोस्तों। ईदगाह आपका हो जाएगा खुला प्रदर्शन स्थल। ईदगाह क्या होगा? खुला प्रार्थना स्थल ईदगाह। और दरगाह दोस्तों संत का मकबरा हो जाएगा। दरगाह बोलते हैं संत का मकबरा का। कुल दे सके का होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। कुल दे सके ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। खान का हो जाएगा दोस्तों सूफी संतों के लिए विश्राम घर। खान का क्या होगा दोस्तों? सूफी संतों के लिए विश्राम घर। गर्भगृह है एक कमरा जहां मंदिरों के देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह क्या है दोस्तों? एक कमरा जहां मंदिरों के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। भारत में शीतोष्ण के विरुद्ध भौमौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्ष डैश की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है?
14 है दोस्तों, भारत के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्ष 14 वर्ष की आयु के कम से कम बच्चों को किसी फैक्ट्री खदान से अन्य हानिकारक काम रोजगार प्रतिबंधित है दोस्तों। कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्या दोस्तों? कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर लागू होता है? राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देता है समय निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य हो सकता है? अन्वेषण कौशल बी और सी सही दोस्तों। समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना और अन्वेषण कौशल को विकसित करना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? अन्वेषण कौशल को विकसित करना, समूह के कार्य करने कौशल को सीखना और अन्वेषण कौशल को विकसित करना दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केवल बी सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक है चूंकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की जरूरत है। दीवाने खासो आम की वस्तु विशेषताओं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता है? जनसभा कच्छ मस्जिद के सदृश बनाया गया। राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता है कि वह सबसे ऊपर है। सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उन्हें उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। ये और सी सही है दोस्तों कि जनसभा कच्छ मस्जिद के सदृश बनाया गया था और सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? पहला नंबर देखिए दोस्तों, आज अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे और आदिवासियों से रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारिक स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो होगा इसमें दोस्तों आंसर इसका, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों को जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। फिर से देखिए, कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? पहला है, अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। आदिवासी की रेशम अंग्रेजी बाजार व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे और अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, आदिवासियों जंगल में आना प्रतिबंध कर दिया था। तीन नंबर सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? आप भाई बहनों को पता होगा, राजस्थान में सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा का दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताते हैं सभी भारतीय देश में समान है। प्रस्तुति और अवसर दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताते सभी भारतीय प्रस्तुति और अवसर समान होते हैं। कौन सा व्यक्तित्व प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? हामिद बगान में रबड़ का रोपण करता है दोस्तों। कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? हामिद बगान में रबड़ का रोपण करता है। झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया था। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा था? स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? उनके चारों और वातावरण की समालोचनात्मक समझ दोस्तों। उनके चारों और वातावरण की समालोचनात्मक समझ को दोस्तों। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? अशोक के शिलालेख को दोस्तों। धर्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? अशोक के शिलालेख के लिए दोस्तों।
19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित में से दो कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ये और भी कोई नहीं है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देशांतर को भारत के लिए मानक या मृतर माना गया है? 42 से 82 डिग्री पूर्व को दोस्तों किस देशांतर को भारत के लिए मानक या मृतर माना गया? 82 डिग्री पूर्व किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? ज्योतिबा राव फूले थे दोस्तों। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दोस्तों स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचर निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? गहन निर्वाह कृषि के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गहन निर्वाह कृषि का। दोस्तों एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है, इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? चखेसंग समुदाय का। दोस्तों चखेसंग समुदाय का होगा, किस समुदाय संदर्भ में कक्षा चर्चा में होगा? चखेसंग समुदाय का। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है मानव संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है दोस्तों? मानव संबंधों का अध्ययन है। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था कि यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। ये और भी दोनों सही है दोस्तों। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल का जल पर पड़ता है तो निम्नतम ज्वार भाटा होता है। ये और भी दोनों सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्तित्व के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? नीति निदेशक तत्व। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्तियों के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? नीति निदेशक तत्व का। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है या विश्वास करता है। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती है। दोस्तों एक भाविष्य शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है। छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ICT के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? मूल्यांकन में आएगा। ये वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते हैं। उपरोक्त विशेषता किस से संबंधित है? नैनार और अलवार के। किसे समझ लो दोस्तों? नैनार और अलवार से। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किसे संबंधित है दोस्तों? नैनार और अलवार से। दोस्तों देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ए और डी सही है। दोस्तों चलिए एडी को पढ़ते हैं। देशांतर काल्पनिक अर्ध वृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है और देशांतर ये यामितर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों शून्य हो जाती है। निम्न में से उत्तर सही है दोस्तों। ए और डी सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। सचिन सर के जितने भी SST के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर्स का दिया गया था दोस्तों 2011 से 2022 तक का पूरा कंप्लीट करा दिया गया एग्जाम्पल 91 चैनल पर। दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उस वहाँ पे प्लेलिस्ट में लिखा गया वो SST प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर करके लिखा गया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को देखिए और बार बार उसको रिपीटेशन करिए। हर साल ये क्वेश्चन
काम में आएगा दोस्तों। जितना साल जब से सीटेट स्टार्ट हुआ तब से क्वेश्चन आंसर और 2022 तक जो पूछा गया था वहाँ तक कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। अब जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है होगा उसका फिर 2023 में करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर दोस्तों। बाद में कि हर एक एग्ज़ाम में ये आपको रामबाण साबित होगा दोस्तों। हर एक चीज़ CDP हुआ, ABS हुआ, हिंदी हुआ, आपका हो गया SST हो गया, जो हम इस चैनल पर करवा दिए दोस्तों। आप सबके दुआ हो तो इस चैनल को हम आगे इसी तरह चलाते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को आप अपने साथियों के बीच फैलाइए और इस चैनल पे अब दोस्तों सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। सीटेट का भी होगा, फिर बिहार सिविल कोड का, जितना भी अदर कमीशन का होता है दोस्तों उसका सेट प्रैक्टिस पे स्टार्ट धीरे धीरे करवाया जाएगा दोस्तों। बिहार दरोगा स्पेशल के लिए इस पर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। और सभी लूसेंट का मास्टर वीडियो और क्राउन का मास्टर वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। फिर महेश बनवाल का उसके घटना चक्र और लाइव धीरे धीरे आएंगे शाम में दोस्तों या सुबह में, एक एक घंटा दो घंटा लाइव आएंगे दोस्तों। और उसमें क्वेश्चन आंसर प्रीवियस से जो पूछा गया SSC बैंकिंग रेलवे उसका प्रैक्टिस किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।